नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक संत की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। संत एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमने के बाद फिर ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा, भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद घर लेकर चलता हूँ। संत ने लड्डू खरीदे और मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए आश्रम में आकर सो गए। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा, अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख भी लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 2 लड्डू खा लिए। बाकी बच्चे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गई। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़कर बोले, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार यह सब दूर से देख रहा था तो उसके पास आया और संत से बोला, महाराज अगर लड्डू में चींटियां लग गई तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले जाएं। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया। दुकानदार भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात हमारे वृंदावन की है, बात हमारे नटवर नागर और उनकी राजधानी की है, बात हमारे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। यहाँ हर संसारी से प्रेम मिलता है, वृंदावन की ये अद्भुत कहानी है। यहाँ के कान्हा के चरणों में ही शांति और सुख मिलता है। इस धरा धाम को नाम क्या बताऊं, जहाँ हर दिन मेरो मन आवे और तन को भी बार बार यहाँ लाना चाहूं। ध्यान बस एक क्षण आना चाहिए और उसी क्षण से राधे राधे गाना चाहूं। क्या भोग विलास मांगू श्याम श्यामा से, मैं तो बस वृंदावन के धूल में समाना चाहूं। जब कभी जावे श्याम, जब कभी जावे श्याम श्यामा से मिलने, तो उनके चरणों से लिपट जाऊं और कोटि सूर्य के अंत होने तक बस श्री राधा राधा गाऊं, राधा राधा गाऊं। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए ग्रेट MS वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।